हरियाणा में तनवीर और आप सभी का स्वागत है एक्सेल के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक्सेल के अंदर हाइपरलिंक क्या होता है। इससे पहले आप लोग एमएस वर्ड या और एमएस वर्ड में भी आप लोग हाइपरलिंक के बारे में पढ़े होंगे या जानते होंगे। तो दोस्तों हाइपरलिंक क्या होता है पहले इसको जान लेते हैं। हाइपरलिंक से हम लोग सपोज करिए हम लोग कोई भी फाइल कहीं और सेव करके रखे हुए और किसी और नाम से सेव किए हुए हैं, तो हाइपरलिंक एक शॉर्टकट वे आपको प्रोवाइड करता है जिससे आप लोग आसानी से बिना मिनिमाइज किए हुए बिना क्लोज किए हुए उस फाइल को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं अपने जिस भी फाइल पे आप काम कर रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग एक्सेल के अंदर हाइपरलिंक के अंदर जो भी पॉइंट आउट दिए हुए हैं उससे हम लोग जानेंगे कि हाइपरलिंक कैसे क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और देखते हैं हाइपरलिंक के बारे में जानेंगे। हाइपरलिंक दोस्तों अगर आप एमएस वर्ड या एमएस ऑफिस 2007 को यूज कर रहे हैं तो आपको मैं दो ऑप्शन बताता हूँ। आप कहीं पर भी किसी भी सेल पर माउस से अगर राइट क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे हाइपरलिंक का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा या कीबोर्ड से आप कंट्रोल साथ के प्रेस करेंगे तब भी हमारा हाइपरलिंक एक्टिवेट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हाइपरलिंक कहाँ पे होता है किस मेनू में होता है तब आप इंसर्ट मेनू में जाएंगे और यहाँ पर आपको हाइपरलिंक का ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हम हाइपरलिंक पे यहाँ क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद यहाँ पे पहला ऑप्शन दे रहा है एग्जिस्टिंग फाइल्स आर वेब पेज। अगर कोई फाइल आपके पास पहले से ही बनी हुई है कहीं पर तो मैं एक बार देख लेता हूँ कोई फाइल बनी है तो जैसे मान लीजिए मैं अपने डेस्कटॉप पर आ गया और डेस्कटॉप पे आने के बाद यहाँ पर देखिए एक फाइल है गज नाम से और इसको मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद जैसे ही हम इस पर कर्सर लेकर जाएंगे तो ऐसे पंजा जैसा बन जाएगा। इस पर क्या करना है माउस से क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद फिर यस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे सामने जो भी फाइल हमारी सेव हुई रहेगी वह ओपन हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम चीज़ यहाँ पे हाइपरलिंक न बनाते हम इसको भी मान लीजिए मिनिमाइज कर देते हैं तो जो भी हमारी फाइल जहाँ पर है एक्सेल की उस पर हम डबल क्लिक करेंगे तब भी हमारी वह फाइल खुल जाएगी। तो दोस्तों चलिए आगे हम बढ़ते हैं, इस हाइपरलिंक को हम डिलीट कर देते हैं अभी। इसके अलावा फिर से हम हाइपरलिंक वाले ऑप्शन पे आते हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा एग्जिस्टिंग फाइल्स आर वेब पेज। इसके अलावा हम यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि कोई वेबसाइट पे हमको जाना है किसी एक्सेल शीट से तो हम यहाँ पे किसी भी वेबसाइट का नाम एंटर कर देते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अपनी वेबसाइट का नाम दे देता हूँ digitaljackson.com। अब हम क्या काम करते हैं यहाँ से ओके कर देते हैं और जैसे ही ओके करने के बाद इस पर हम जाएंगे माउस लेकर के तो फिर यहाँ पर आपको देख रहे हैं इस प्रकार से बन जाएगा। अब करना क्या है जैसे इस पर क्लिक करेंगे और इंटरनेट कनेक्ट रहेगा और वेब ब्राउजर ओपन रहेगा तो डायरेक्ट हमारी उस वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर देगा पहुंचा देगा। देखिए इस प्रकार से ये हमारी वेबसाइट पर पहुंचा दिया। चलिए आगे जान लेते हैं, फिर से इसको हम डिलीट मार देते हैं। फिर से हाइपरलिंक पर आते हैं, ऑप्शन दिया हुआ है प्लेस दिस डॉक्यूमेंट। प्लेस दिस डॉक्यूमेंट का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कई सीट है, अभी बाई डिफॉल्ट 3 सीट यहाँ पे आपको दिख रहा है। अगर हम चाहते हैं हमारे पास कई और सीट है, मान लीजिए हम पहली सीट पर एंट्री किए हुए हैं और हम चाहते हैं क्लिक करें तो पहली सीट पे स्विच कर जाए, तो सीट 1 को यहाँ सेलेक्ट करने के बाद हम जैसे ओके कर देंगे। अब ओके करने के बाद जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें ऑटोमेटिकली सीट 1 पे स्विच करा देगा और हम थे सीट 2 पर। यहाँ पे आपको हमारी एंट्री दिख रही है, थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं इसको। हमारी एंट्री सीट 1 पर हुई और जैसे हम इसको क्लिक करेंगे सीट 1 पहुंचा देगा और सीट 2 पर हम यहाँ पर एंट्री किए हुए हैं। फिर से आ जाते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं और हाइपरलिंक पर आ जाते हैं। अब कर रहा है क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। अगर आप कोई नया डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं किसी भी नाम से, मान लीजिए मैं टेस्ट नाम से बना देता हूँ फाइल, फिर जैसे ही ओके करते हैं, अब ओके करने के बाद देखिए एक नई प्रकार से हमारी नई पेज फाइल हुई। इसके अंदर हम कुछ भी टाइप करने के बाद इसको सेव कर सकते हैं। चलिए इसको मैं कट कर देता हूँ। अब हम फिर यहाँ से जैसे इस पर क्लिक करेंगे हमारी वह फाइल जो है वह ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। चलिए फिर से हम इसको डिलीट करते हैं। फिर से आते हैं हाइपरलिंक पर और यहाँ पे दिया हुआ ईमेल एड्रेस। अगर आप चाहते हैं ईमेल करना तो आप मेल भी कर सकते हैं जिस ईमेल आईडी, चलिए मैं एक ईमेल आईडी लिख देता हूँ। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या लिखना चाहते हैं, मान लीजिए लेटर। लेटर के सब यहाँ आपको दिख रहा है और जैसे ही हम इसको ओके कर देंगे, लेकिन एक और चीज ध्यान रखिए कि आप में अगर आउटलुक कॉन्फ़िगर है, एमएस आउटलुक कॉन्फ़िगर है तो आपको डायरेक्टली रीडायरेक्ट कर देगा
मेल वाले ऑप्शन पे और मेल खुल जाएगी, लेकिन मेरे में आउटलुक कॉन्फ़िगर नहीं है। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आउटलुक कॉन्फ़िगर का ऑप्शन आ जाएगा। चलिए मैं दिखाता हूँ, इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद थोड़ी देर बाद यहाँ पे देखिए ये आउटलुक कॉन्फ़िगर करने के लिए ऑप्शन मांग रहा है, लेकिन हमें आउटलुक अभी ज़रूरत नहीं है इसलिए हम यहाँ नो करेंगे। अगर आप में आउटलुक कॉन्फ़िगर रहेगा तो आप मेल किसी को भी भेज सकते हैं। मैं इसको कट कर देता हूँ।